भगवान को जानो, तब मानोगे, तब उनसे प्रेम होगा, तब भगवान मिलेंगे। तो हम तो आज तक कभी भगवान को जाने ही नहीं, प्रेम होना उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम तो इतनी कथाएं सुनते हैं, तो क्या हम भगवान को जाने नहीं? नहीं, क्यों? चलिए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, बहुत ध्यान देकर के सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम कैसे जानेंगे भगवान को, इसको समझते हैं। कौन बताएगा कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ कैसे दिखते हैं, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं आप लोगों की तरफ से प्रश्न रख रही हूँ, कौन बताएगा कि भगवान कौन है, कैसे मिलेंगे? अब आप लोग ये सोचें, अजी हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, वो तो खूब रामायण का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, अपने नाना चाचा मामा मम्मी पापा से पूछेंगे, बताओ ना मम्मी भगवान कौन है, कैसे है? तो आज आप लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो और अच्छे से बुद्धि में बिठा लो। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि हम अपने परिवार वालों से या बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, बताओ बताओ पिताजी भगवान कौन है, तो अगर आप अपने मायाबद्ध जीवों से पूछोगे कि भगवान कौन है, तो जानते क्या दशा होगी आप लोगों की? अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। क्या मतलब? मतलब कि जैसे एक जगह तमाम अंधे इकट्ठे हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर थोड़ी देर इसके बाद हरिनाम कीर्तन करेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे एक जगह तमाम अंधे इकट्ठे हो और उसमें से एक अंधा बोले कि अरे भाई यहाँ कोई आंख वाला है क्या, मुझे वहां पर सत्संग भवन में छोड़ दो। और दूसरा अंधा सोचे, अरे वो तो मैं भी अंधा, इसको क्या पता, चलो चलो बेवकूफ बनाते। उस आंख अंधे ने कहा मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे सत्संग भवन छोड़ देता। अब एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ के चला, अब चलते 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 रास्ते में एक गड्ढा आ गया और वहीं पे गिर गए और हाय हाय करते रह गए, लेकिन सत्संग भवन नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही अगर आप सोचोगे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से या पिताजी बताइए, अरे दादाजी दादी जी बताइए कि भगवान कौन है, तो वो स्वयं अंधे, वो स्वयं सूरदास है, स्वयं नहीं जानते कि भगवान कौन है, वो आपको क्या बताएं? इसलिए कभी भी माया के जो अधीन है जी, उनसे पूछने की कोशिश मत करना कि बताओ बताओ भगवान कौन है, तो फिर कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे, गीता पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, रामायण का पाठ कर लेते हैं, बस बस भगवान को जान जाएंगे। सुनिए, ये भी कान खोलकर अच्छे से बुद्धि में बिठाइए। अगर आप लोग सोचते हैं कि ग्रंथों को पढ़ने से अगर जीव भगवान को जान सकता है, तो ये गलत है। गीता का पाठ तो बहुत करते हैं, अर्जुन तो कोई नहीं बना, श्रीमद् भागवत कथा तो आप लोग करवाते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन परीक्षित तो कभी नहीं बन पाए कि 7 दिन के अंदर कर गए। हम तो और संसार में फंसते जा रहे हैं इतना पूजा पाठ गीता सुनने के बाद भी। तो ये अगर ये हमको लगता है कि शास्त्रों को पढ़ करके जी भगवान को जान सकता है, नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अनेकों शास्त्र है और हर शास्त्र अलग अलग प्रकार की बातें बोलता है। कोई कहता है ऐसा करो, कोई शास्त्र कहता है ऐसा करो, कोई कहता है ऐसा करो। अब इतने सारे 18 पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत पुराण है, हर पुराण में अपने अपने देव की महिमा है। कोई कहता है देवी माँ से सृष्टि प्रकट हुई, कोई कहता है शंकर जी से, कोई कहता है विष्णु जी से, कोई कहता है ठाकुर जी से। अब आप क्या समझे, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी, ये सब आगे सारा विषय आएगा धीरे धीरे, लेकिन शास्त्रों में इतना ज्यादा विरोधाभास है कि हम समझ नहीं सकते। यहाँ तक कि जो रामायण, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि सबसे सरल पुस्तक है, इसको तो कोई भी पढ़कर समझ ले, लेकिन गलत। स्वयं रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों,
अगर तुमको मेरी रामायण को समझना है तो पहले तीन शर्तों को पूरा करो। क्या शर्त है? जे श्रद्धा संबल रहित नई संतन को साथ, तिनका मानस अगम अति जिनही न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले मेरी तीन शर्तें हैं, उसको पूरा करो तब तुमको मेरी रामायण समझ में आएगी। अब आप लोग खुद अपने अंदर झांक लीजिएगा, क्या हम इन तीन शर्तों को पूरा करते हैं? पहली शर्त श्रद्धा यानी विश्वास। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। शास्त्र कहते हैं कि शत प्रतिशत संत की वाणी पर, भगवान की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। डाउट नहीं जरा सा भी। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? गीता में ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों किया भगवान ने? इतने ब्याह क्यों किए? रास क्यों रचाया? सीता मैया का प्रत्याग क्यों किया? ये जो हर जगह हमारे प्रश्न आते हैं, ये विश्वास नहीं, शत प्रतिशत विश्वास होना चाहिए। 1% भी डाउट नहीं संतों की वाणी पर, भगवान की वाणी पर। ये विश्वास कैसा होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ, तब आप अच्छे से समझेंगे। एक मंदिर में पुजारी जी भगवान की सेवा करते थे, तब आपको समझ में आएगा कैसा विश्वास होना चाहिए। अब वो मंदिर में भगवान पुजारी, तमाम भगवान थे उस मंदिर में, गणेश जी भी थे, राम जी भी थे, ठाकुर जी भी थे, शंकर जी भी थे, सब थे। तो वो प्रतिदिन सबकी सेवा करें, आरती नहलाए धुलाए, आरती करें, भोग लगाए, सब करें। तो पंडित जी के साथ एक 8 साल का लड़का रहता था, और वो भी उनकी सहायता करता था, हेल्प जिसे कहते हैं। तो एक दिन पंडित जी को अचानक बहुत जरूरी काम आया बाहर, तो उनको 1 महीने के लिए बाहर जाना था। तो पंडित जी ने उस लड़के से कहा कि देखो बेटा, मैं ना 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अब मैं जैसे जैसे प्रतिदिन भगवान की सेवा करता हूँ, तुम तो जानते ही हो, तो प्रतिदिन वैसे ही सेवा करना, मनमाना आचरण नहीं करना कि अपना सो रहे हैं भगवान जी सो रहे हैं, अपना तो खा पी लिए फिर भगवान को बाद में खिला रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले सेवा भगवान की करना, उनको नहला धुला करके, आरती करके, भोग लगा के, फिर स्वयं प्रसाद पाना। और 1 महीने का राशन पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं छोड़ के जा रहा हूँ भगवान के भोग लगाने के लिए, रोज बना करके भोग लगाना। तो वो 8 साल का लड़का, उसने कहा कि ठीक है पंडित जी, हाँ मैं कर लूंगा, आप जाइए। अब पंडित जी तो चले गए, अब उस लड़के की जिम्मेदारी है सेवा करनी है भगवान की। अब उसने सुबह सुबह उठ करके भगवान को उठाया, उनको नहलाया, उनको तैयार किया, आरती की। अब जब भोग बनाने का समय आया तो बच्चे ने भोग भी बनाए, और भोग बना करके सब भगवान के आगे थाली रख दी, और भगवान से कहा भगवान आओ खाओ, जैसे हम लोग करते हैं ना। हाँ अभी ध्यान दीजिएगा, जरा कोल पट्टी खोलूंगी तब समझ में आएगा आप लोगों को। तो उस पंडित, उस बच्चे ने कहा कि भगवान आओ खाओ। भगवान बोला क्यों आए और क्यों खाए? नहीं आए। अब वो बेचारा इतनी देर खुशामद करता रहा, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। अब बच्चा सोच रहा है कि पंडित जी ने कहा है कि जब तक भगवान नहीं खाए स्वयं नहीं खाना, और ये तो खाते ही नहीं, अब मैं कैसे खाऊं? तो बच्चे ने सोचा कि लगता शायद आज पंडित जी चले गए ना, और पंडित जी रोज खिलाते हैं तो उनकी याद आ रही होगी, इसलिए उनको भूख नहीं लग रही होगी। तो उस बच्चे ने कहा पंडित जी भगवान से कि ठीक है प्रभु, मैं समझ सकता हूँ, आपको रोज पंडित जी खिलाते हैं, आज वो नहीं है तो उनकी याद आ रही होगी ना, कोई बात नहीं कोई बात, कल खा लेना। तो जैसे एकदम भोलेपन से भगवान से बातें कर रहा है, तो बेचारे ने उस थाली को उठाया और रख दिया, ना भगवान ने खाया ना स्वयं ने खाया। फिर अगले दिन उसी प्रकार किया, फिर भगवान की खुशामद की, भगवान आओ खाओ, नहीं। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए, वो प्रार्थना करता रहा भगवान के चरणों में, लेकिन नहीं आया। अब तो बच्चे की हालत खराब,
भूख के मारे और बड़ा गुस्सा आने लग गया उसको। उसने कहा अच्छे भगवान है ये, अच्छे पल्ले पड़ गए मेरे, ना खुद खाते ना मुझे खाने देते। अब लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आया तो सीधा वो गया बाहर, वो जाकर के एक मोटा सा डंडा ले आया और आ करके भगवान के सामने खड़ा होकर डंडा लेकर और कहता है खाते हो कि नहीं, नहीं तो फिर डटा हुआ एक एक के सर के ऊपर अभी के अभी। अब जैसी ऐसा बच्चे ने बोला तो सामने शंकर जी थे तो तुरंत निकल के गपा 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 खाने लगे कि अभी डंडा पड़ेगा। इतने में एक एक करके सब भगवान निकल के खाने लगे, अभी डंडा पड़ा नहीं तो खाओ। अब तो उस बच्चे को रास्ता मिल गया कि भाई डंडा दिखाओ भगवान को खिलाओ। अब बेचारा को बनाए और भगवान खाते गए। अब वो पंडित जी जो बेचारे एक महीने का राशन छोड़ के गए वो एक हफ्ते में खत्म। वो बच्चा सोचे कि अच्छे पेट हुए भगवान भी सारा खा गए। अब वो बेचारा गया जाकर के दुकानदार से राशन पानी लाया उधार करके, पंडित जी आके पैसा दे देंगे लेकिन अभी दे दो। अब रोज इसी प्रकार एक महीने तक करता रहा। अब एक महीने बाद जब पंडित जी आए तो पंडित जी ने पूछा क्यों बेटा सब ठीक ठाक रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं पंडित जी सब ठीक ठाक रहा लेकिन उधार बहुत हो गया है। पंडित जी ने कहा उधार हो गए? तो पंडित जी ने कहा उधार कैसे हो गया? तो बच्चे ने कहा कि कैसे नहीं होगा, आपके भगवान तो इतना खाते हैं आप जो राशन छोड़ के गए वो तो एक हफ्ते में खत्म। उधार लाना पड़ा मुझे राशन से, खाना पीना लाना पड़ा उधार करके। तो पंडित जी ने कहा जरूर तुमने कोई मक्कारी की होगी, जरूर कोई बेच बेच आया होगा, पैसा खा गया होगा, जान बुझ के बोल रहा है कि भगवान खाते हैं। हम तो इतने सालों से हमारी उम्र निकल गई भगवान को खिलाते खिलाते, आज तक तो भगवान ने हमारे हाथ से खाया नहीं और तू जरा सा लड़का हो गया भी आया भगवान की सेवा, भगवान ने खा लिया तेरे हाथ से। तो बच्चे ने कहा हाँ पंडित जी मैं झूठ नहीं बोल रहा सच बोल रहा हूँ। तो पंडित जी ने कहा अच्छा चल दिखा कैसे खाते तेरे भगवान, मैं भी देखूं जरा। तो बच्चे ने कहा ठीक है आप उसना पिलर के पीछे खंभे के पीछे छुप जाए, आप देखिएगा चोरी चोरी वो कैसे खाते। उसी प्रकार में बच्चे ने सब भगवान के आगे थाली रखी और थाली रखने के बाद एक डंडा लेकर खड़ा हो गया और फिर भगवान सब खाने लगे। तो बच्चे को तो दिख रहे हैं कि साक्षात भगवान आकर खा रहे हैं, लेकिन उस पंडित जी ने क्या देखा, उनको भगवान नहीं दिख रहे थे लेकिन ये दिखाई दिया कि थाली में से गस्ता जा रहा है सीधा मूर्ति के अंदर, भगवान नहीं दिख रहे। भले इतने जन्म लगेंगे लेकिन महाप्रभु ने कहा मतलब विश्वास कर लिया उसने कि मेरा कल्याण होगा ही होगा। वो नाचने लगा तो महाप्रभु ने देखा अरे ये तो बड़ा विश्वास कर रहे मेरे ऊपर। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं इसी जन्म में तेरा कल्याण हो जाएगा, बस एक क्षण आप एक बार विश्वास कर लो संतों की वाणी पर, संत ने कहा है भगवान ने कहा है, बस एक क्षण नहीं लगेगा कल्याण में, इसे कहते हैं विश्वास। लेकिन क्या ऐसा विश्वास हमको होता है? हम तो डाउट करते रहते हैं माने कि नहीं माने संतों की, और कितनी माने जितना हमें अच्छा लगता उतनी मानते हैं, बाकी जो विश्वास होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है बताती हूँ, अभी थोड़ी देर हरिनाम कीर्तन कर लेते हैं तत्पश्चात दूसरी शर्त को जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। Oh,
जी कहते हैं कि हमारा प्रभु से इतना प्रेम हो उनके मिले बिना एक पल भी ना रहा जाए। इतना प्रेम हो जाए कि बस हम रह नहीं सकते राम के बिना। इतना जब अवस्था आ जाए प्रेम की, तब कहते हैं तुलसीदास जी मेरी रामायण को पढ़ना, वरना तो इनका मान
अति, अगम है, बुद्धि से परे है, वो समझ में नहीं आने वाली कि मैंने कौन सी छुपाई की शास्त्र से लिखी। इसलिए हर शास्त्र को पढ़ने का, हर ग्रंथ को पढ़ने का एक नियम होता है, कुछ शर्तें होती हैं, ऐसे नहीं पढ़े जाते। इसलिए ग्रंथों को पढ़ के भी हम भगवान को नहीं जान सकते, फिर कैसे जानेंगे। एक उपाय है भगवान को जानने का, बहुत ध्यान दीजिए, एक उपाय है भगवान को जानने का, बात नहीं करेगा कोई भी, और वो क्या है, वेद। बस वेद हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जितने भी ग्रंथ आज माननीय हैं, वो केवल वेदों के आधार पर हैं। वेद साक्षात भगवान की वाणी है, वेदो नारायणो साक्षात, यानी साक्षात नारायण ही है वेद। तो ये वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए हैं, भगवान ने लिखा नहीं, भगवान की श्वासों से प्रकट हुए। और अनादि निदना वेद, अनादि है ये वेद, सदा से है, एक दिन हुए ऐसा नहीं। जैसे एक दिन गीता लिखी गई, एक दिन श्रीमद् भागवत लिखी गई, ऐसे एक दिन वेद लिखा गया, ऐसा नहीं। वेदों को भगवान की श्वासों से प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान की वाणी है साक्षात वेद। यानी भगवान ने स्वयं वेद में बताया है कि तुम मुझे कैसे जान सकते हो, मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे दुखों से छुट्टी पा सकते हो, कैसे सुखी हो सकते हो, ये वेदों में है। तो चलिए हम लोग भी वेदों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए वेद जी महाराज, हम भगवान को कैसे जाने। चलो अब वेद क्या कहता है, कैसे जानेंगे भगवान को। तो वेद कहता है, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमे पापिनूनं त्वं ब्रह्मणो रूपम्। केन उपनिषद में आया है ये मंत्र, कहता है स्वयं वेद में भगवान कह रहे हैं, वेद कहता है कि जो जीव भगवान को जानना चाहता है तो उसके समान संसार में मूर्ख कोई नहीं, ना समझ। क्यों? क्योंकि वेद कहता है कोई भगवान को जान ही नहीं सकता। छुट्टी। यस्यामतं तस्यमतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातं अविजानतां। केन उपनिषद में ये मंत्र है, ये मंत्र भी कहता है कि अगर कोई जीव भगवान को समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसके समान इस संसार में ना समझ मूर्ख कोई नहीं हो सकता, कोई भगवान को जान नहीं सकता। छुट्टी, बात ही खत्म हो गई। अब क्या करें, स्वयं भगवान ने वेदों में कह दिया भगवान ने कि कोई भगवान को जान ही नहीं सकता, तो फिर जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के भगवान मिलेंगे नहीं। गाड़ी अटक गई हमारी तो कैसे भगवान को जाने। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, नाम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वामदेव किमुतः परेसुरा। भागवत में कहा गया है दूसरे स्कंध के छठवें अध्याय का 36वां श्लोक है, इसमें स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि करता ब्रह्मा भगवान को नहीं जान सकता। तो नारद तुम क्या जानोगे, संकादिक तुम क्या जानोगे, फिर देवता और ये नर पावर बेचारे साधारण से जीव क्या जानेंगे, कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि शंकर जी भी कहते हैं, ना हम विरिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुने सुरेशा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि स्वयं शंकर जी कहते हैं कि मैं शंकर भगवान को नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा और तुम सब ना देवता लोग और ये साधारण से संसार के प्राणी कैसे जानेंगे, जान ही नहीं सकते। यहाँ तक कि विष्णु भी कहते हैं, त्वमेव सम्यक् योऽसि सोऽसि महेश्वर, आप जो हो स्वयं भगवान आप ही हो, आपको कोई नहीं जान सकता। बताइए
जब ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान को नहीं जान सकते तो नर पामर करके तिक बाता हम बेचारे साधारण से जीव कैसे भगवान को जानेंगे बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि विष्णु तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही विष्णु है। थोड़ा सा डाउट होता है लोगों को यहाँ पर, कृष्ण विष्णु के अवतार है, कोई कहता है विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है, समझ नहीं आता। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी, ये सारे प्रश्नों का समाधान धीरे धीरे होगा। अभी तो बस मैं इतना बता रही हूँ कि भगवान को जब ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते तो हम कैसे जानेंगे, और जब तक जानेंगे नहीं। स्वयं वेद कहता है कि कोई जीव भगवान को जान नहीं सकता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कहते हैं कि कोई भगवान को जान नहीं सकता, तो फिर उनसे प्रेम होना तो बहुत दूर की बात है। फिर ये जो हम लोग बोलते हैं हमारा तो बड़ा प्यार है जी भगवान से, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज अगरबत्ती जलाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, हमारा तो बड़ा प्यार है भगवान से, सफेद झूठ, डोंट माइंड, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, सफेद झूठ। ये जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा बड़ा प्यार है भगवान से, प्यार होने के लिए पहले आपको उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हमारा उनसे प्रेम हो गया उसी क्षण भगवान हमको मिल जाएंगे। तो जब शास्त्र कहते हैं भगवान को जान ही नहीं सकते तो प्रेम कैसे होगा। और ये जो हम लोग बोलते हैं कि हम जो रोज मंदिर जाते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, जरा इन लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाए ना भाई। और जो जो बातें मैं बताऊंगी आप अकेले बैठकर कमरे में सोचिएगा जाने के बाद, यहाँ से शत प्रतिशत ऐसा ही पाएंगे जैसा मैं यहाँ बोलने जा रही हूँ, शत प्रतिशत। राम नाम सबसे बोलने में डर लगता है, दिन भर संसार के गंदे गंदे नाम लेते हैं तब कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान का नाम लेने में डर लगता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ तो आप लोग सुन रहे हैं ये सब बात, जो यहाँ पे ना आया आज प्रवचन में, ठीक है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो या कोई आपका फ्रेंड हो या दोस्त हो, उसके घर जाइए। आ जाने के बाद उसे घर जाना और जाकर दरवाजा खटखटाना, और जैसे आपका रिश्तेदार दरवाजा खोले यही नारा लगाते हो अंदर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो फिर वो चाचा जी कहेंगे अरे अरे क्या बोल रहे बेटा, अरे क्या बोल रहे, अरे प्रवचन में सुन के आ रहे हैं राम नाम सत्य है। अरे ठीक है राम नाम सत्य, लेकिन ऐसे नहीं बोलो। क्या मतलब? मतलब इस धुन में नहीं बोलते, बोलो कि राम नाम सत्य है, डर लगता। वही रख देते हैं भगवान के बगल में, बिल्कुल सांस ना लो भगवान आप, ऐसा प्यार है। अंदर नहीं जाते मंदिर के अंदर गर्भगृह में तो बाहर से सिक्के मार देते भगवान, अब वो आंख पे लगे चाहे कहीं लगे हमको क्या करना, वो तो मूर्ति है ना, सिक्के मारो चाहे फेंको चावल मारो, हमें क्या करना, हमें अपनी ड्यूटी निभानी। ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, हमको धोखा है कि हम भगवान से प्यार करते हैं, ये प्रेम नहीं है। भोग लगाते हैं प्रतिदिन घर में, क्या कभी ये देखा कि भगवान ने थाली में कुछ खाया कि नहीं, रोज प्रतिदिन भोग लगाते हैं, क्या करते हैं हाथ में जल लेंगे, ऐसे कुछ मंत्र आता होगा तब बोल देंगे और कहेंगे आओ भगवान खाओ, और बाद में गपा गप खुद ही खा जाते। चलो इतना नहीं, कम से कम ये सोचते हैं क्या कि आज ठाकुर जी ने मेरी थाली से भोग लिया कि नहीं, अरे आज भी नहीं लिया मैं कितना पापी हूँ प्रभु, आप मेरी थाली से कुछ भी स्वीकार नहीं करते, ये भाव भी अगर हमारा बन जाए कितनी बड़ी बात है, वो भी नहीं बनता, कुछ फीलिंग नहीं। एक दिन बच्चा खाना ना खाए तो टप 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 आंसू निकल आते हैं, और वो भगवान जो हमारे सर्वस्व में है हमसे एक दिन भी आकर भोग स्वीकार नहीं कर रहे, एक आंसू नहीं, अभी कहते हैं प्रेम है। कैसा प्रेम है सोची, ये प्रेम नहीं है, सब धोखा है, क्योंकि प्रेम करने के लिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा, ये प्रेम नहीं कहलाता।
सारी दुनिया पर विश्वास करते हो, नौकर पे भी विश्वास करते हो, नौकर को भी पैसा देते हो कि जाओ जाकर के जमा कर दो बैंक में या जाकर के उस व्यक्ति को दे आओ। लेकिन जहां भगवान का मामला आता है तो कहते हे देवी माँ, हे हनुमान जी, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो तो मैं इतना 1000 रुपए प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। पहले आप हमारा काम करो तब हम प्रसाद चढ़ाएं। पहले नहीं, पहले हमारा काम आप करोगे तभी 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, वरना बेटे की नौकरी भी नहीं लगी, 1000 रुपए भी खवा दी हमने। यानी सारा अविश्वास भगवान के यहाँ पर, पहले भगवान हमारा काम करें तब आप उनका सेवा करेंगे, उनके प्रसाद चढ़ाएंगे, पहले नहीं चढ़ाएंगे। संसार में ऐसा नहीं करते। संसार में आप टिकट खरीदने जाएंगे तो कहेंगे कि पहले टिकट दो तब हम पैसा देंगे? वहां तो पहला पैसा देना पड़ेगा आपको। आपको पूर्ण विश्वास है क्या? वो तो संसारिक आदमी है, ना टिकट दे आपको तो वो कहते कि आपने पैसा कब दिया। तो बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं तो पहले क्या कहते हैं कि पैसा दो तब हम, पहले हम आप रसीद दो तब पैसा देंगे? ऐसा तो नहीं कहते। पहले आप पैसा जमा करते हो तब रसीद मिलती है। अविश्वास कर लेते उस बैंक के ऊपर अगर वो ना दे तो? वो कहते आपने 10,000 दिया है, आपको हमने तो 1,00,000 दिया है, क्या कर लोगे? क्या सबूत है आपके पास? सारी दुनिया पर आप हर जगह विश्वास कर लेते हैं, लेकिन एक ईश्वर के राज्य में जहां आता है सारा अविश्वास है। पहले भगवान हमारी सुने, पहले भगवान हमारे लिए करे तब हम ऐसा करें, पहले भगवान करे तब ऐसा करें। बताइए, ये प्रेम नहीं कहलाता। इसलिए